किस तरह कहीं है, जेजे पेड़ में कहीं है मुद्दे इस पे आता हूँ। 2019 का चुनाव में वोट के रोड घर मत लेकर आया खुद अपने मुंह इलेक्शन वोट विक्रम जागरा की राम भाई। फिलहाल जो मोखरा गांव के अंदर मौजूद हूँ मैं, मलका का गांव रोहतक जिला है। यू गांव इतना बड़ा है कि पूरा लोकसभा ने उथल पुथल कर सके है अगर एक काम ने जो है झुक जाओ तो। एक बार जानकारी ले लेना, हाँ आप लोग लगातार हमारे चैनल के ऊपर सर्वे देखने लग रहे हो कि लोकसभा का जो इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आने लग रहा है और जीत किसकी होने वाली है, अरविंद शर्मा या फिर कांग्रेस पार्टी से जिसको अभी तक टिकट भी नहीं मिली है। तो बात कर लेवा बारी बारी सारा तय। राम 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 राम। के नाम है सुबे सिंह। तो सुबे सिंह ने बता दे गांव बहुत बड़ा है, गांव की तोड़ झुकाव बना रहे की बार गांव का कांग्रेस की तरफ है जी झुकाव। दीपेंद्र हुड्डा टिकट तो ना मिलेगी वे, टिकट ना मिलेगी, जो दूसरे ने मिलेगी उसने जितावांगे। अच्छा पूरा कांग्रेस की तरफ किसी ने कांग्रेस का यूरोड़ा कांग्रेस का है या फिर लोग तो नो दीपेंद्र तो प्यार है आप लोगों को किसी ने टिकट मिल जाओ। दीपेंद्र तो प्यार है, कांग्रेस तो दीपेंद्र का है। दीपेंद्र का है। अच्छा उन्हें की कुल डिमकल ना हां उन्हें की मंगल लगेगा तो काम करेगा उससे की मंगल लगेगा की तो निकम्मे कुन की गल है। अच्छा जो फिलहाल के जो सांसद हैं अरविंद शर्मा उनसे की नाराजगी है, उसने कोई काम कोई बता दे वही 5 साल में दिखे भी कोई नहीं, वो तो काम तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा कोई में नहीं दिखा ना, काम में दिखे नहीं कभी एक दिन भी। इसा के जुलम हो रहा है सारे को में दिखा ना दिखे कोने, वो उसकी अपनी मानसिकता है उसने उसके कोई। अच्छा मन्या होगा भाई यार वोट ना मिली मने या मना अच्छा ना लगता गांव उसकी बात समझ है हम तो। अच्छा। कह सकते दिखे नहीं आड़े कोई विकास। दीपेंद्र की सांसद रहे हैं, दीपेंद्र सांसद बनने के बाद गांव में कितने महीने में दौरा हो जाएगा? दौरा हो जाए उसका तो वैसे काम में बताते हैं उसके तो दौरा ही बता दे आने की जरूरत नहीं पड़ती ना, उसने भी काम हो जाए उसके तो उसने बैठा बैठा नहीं करवा। अच्छा तब राम राम। राम राम भाई न्यू बता दे गांव की तोड़ झुकाव बना रहा किसको आपकी बार लोकसभा देखना चाह रहे हो? भाई मारा गांव तो कांग्रेस के साथ से। कांग्रेस के साथ से कति लोटन उन गिर रखे है ना, और लोटन उन ही बात नहीं गांव जिने करया है। अच्छा। उसका साथ जाएगी उसका साथ दोगे? बीजेपी आज रुक के मान लग रहे हैं हमने साथ को काम में नहीं छोटा दुर्मा करवाया हो। बीजेपी ने कोई काम में नहीं करया, काम में नहीं करा है अरविंद शर्मा है सारे काम तो कर काम ना 5 साल ने बने दोगे। मैंने शक्ल दिन देखा आज तक बुक रिपोर्ट दे दिया। अच्छा और भाई दीपेंद्र है आज बोला जो कौन करती आ जाएगा और एक और बताऊ मैं आज तक कितने सांसद हुए और वो भी मुख्यमंत्री का लड़का सारे बदमाशी में हुए आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं। अच्छा उनके लड़के हाँ। अच्छा लेकिन एक यो इस आदमी है जिसका बदमाशी में नाम नहीं है जमा शरीफ है कतिल शरीफ है उसका कुर्ता खींच ले। अच्छा इष्ट शरीफ और क्या हुआ एक यह चीज मेरे ख्याल में इष्ट शरीफ मोहम्मद एमपी देखा है क्या है क्या सही हरियाणा एक है क्या सराफत देखी जा दीपेंद्र के लिए या फिर कोई और भी खास वजह है जो कि दीपेंद्र के ऊपर झुकाव बन रहा है? काम करे भाई काम करे हैं बीजेपी ने काम नहीं करे ना बीजेपी ने जाट पाट बेरोजगारी मुफ्त का राशन केस होता है नौकरी दो रोजगार जो वो अपना आप कमा लेंगे मुफ्त का राशन देकर लोग ने ठिल्ले बना दिए काम को ना तड़के ताश खेल लागे शांति ताश खेल ले उन्हें काम दो। अच्छा एक बात बताओ देखो यह चीज भी आपने सही कही है कि मुफ्त का नाश देगा निठल्ले बना दिए जब यू राशन कार्ड बनने लग रहे थे जिस टाइम पर जिनका गाड़ी खड़ी है 5-5 किले 7-7 किले वे लोग भी राशन कार्ड वाले लाइन में खड़े थे अपनी इनकम घटवाने ला रहे हमारा राशन कार्ड बनाओ वह इतने बौड़े क्यों रहे थे? बौड़े नहीं थे वह बेईमान आदमी है बेईमान आदमी जिसका सत्यम है वो राशन कार्ड क्यों बनवाओ भाई? बिल्कुल राशन कार्ड दो बनाओ जो आदमी कमाने वाला जिसका नहीं वो बनवाओ। अगर सेंटर की बात कराएं के ऊपर की अगर बात करा तो राजा की साख है मोदी जितना झूठा आदमी नहीं देखा कांग्रेस से अगर राहुल गांधी पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी था बढ़िया प्रधानमंत्री था बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी से अगर राहुल गांधी को चुन के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा भाई? विकास होगा अच्छा होगा लोग तो नुको है कि यो प्रधानमंत्री बना दिया तो खत्म हो जाएगी कहानी। क्यों खत्म हो जाएगी भाई के मेरा क्या तक है बढ़िया तो पढ़िया देखे है। अच्छा आज तक इस पर कोई दाग नहीं है कोई दाग जो एमपी बन दिया अध्यक्ष बन दिया के कमी है नुको है प्रधानमंत्री पप्पू को आओगा फिर
भाई ये तो जुमलेबाजी हुआ अगर है। अच्छा पर क्यों को आवा यार डाउनग्रेड कर रहे झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं हां। अब वो ज्यादा निशाना न्यू बना दियो हाईलाइट कर दे उन चीजों वो न्यू को चाहना कि यो न्यू बनना चाहिए अरे यो न्यू ब्रदर कुछ ना। अच्छा तो कुल मिलाकर न्यू है कि दीपेंद्र को सांसद बनाओगे। राम राम जी। राम राम के नाम है कृष्ण भाई। कृष्ण भाई सब एक और तो न्यू बता दो बहुत सारे भाई के हैं न्यू का देख फोन कर करके बैठा लो सारे कांग्रेस ने सारे विजय प्याड़ा ने आप फोन करके बता रहे हो भाई आप जा रहे थे आपको मौका पीवा जाना बैठ के आगन देख आदमी देख का आए हो आप ये कोई बकवास रियलिटी आए हैं हमारा हर सर्वे इसी प्रकार हो अगर हम किसी तक बात करके नहीं जा करते और जड़ा जान सकते आयो मेरा नहीं जान मजबूत ही है जब हम सर्वे कर ला जरा फालतू कमेंट ना करया करो ना नहीं तो न्यू बताओ भाई सांसद किसको बनाने जा रहे हो की बात भाई साहब यो दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा पक्का कंफर्म होगा सो नुको है बीजेपी वाले तो इसकी बार 7 लाख करा देंगे भाई उन आगे कितनी बोलियो जो तो जनता बताओगी सबका आगा होगी इन जिसे करे इसे ये काट लेंगे दीपेंद्र ने काम करा के उनकी जनता होगी बीजेपी काम नहीं करे भाई बीजेपी तो झूठी पार्टी है। अच्छा चलो जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जैसा मेरा सवाल किसको सांसद आठ बैठ कोई दिक्कत नहीं एमपी का इलेक्शन में तो देखो दीपेंद्र ने बढ़िया काम करेगी बढ़िया काम करेगी मैं जेजेपी का वर्क करूँगा। अच्छा वेरी गुड बड़ा अच्छा हुआ भाई जेजेपी के वर्कर मिल गए हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो करने जरूरी हैं जरूर वर्कर आज बैठ जाओ फ्री चले पहले हां जी बताओ सीएम जी तो तेरी जगह है इसने इसको मेरा फ्री चले है। अच्छा जी एचसी सेंटर को। अच्छा और जेजेपी के होकर और आप कह रहे हो कि लोकसभा में दीपेंद्र होना चाहिए क्या खास बात है कांग्रेस कर जेजेपी अगर बंधन होगा क्या पड़ा बीजेपी का उसमें वो करूँ अरविंद शर्मा जो सोच के नहीं आया मोदी जी का नाम तो बोल रहे हैं। अच्छा जैसा मैंने सुना ना अरविंद शर्मा ने कोई रुचि ना जताई दीपेंद्र ने कॉलेज बनवाया दुष्यंत ने को एजुकेशन करा दिया एजुकेशन हो गया देखो दीपेंद्र ने पीछा बहुत दुआ रखा था टूटने का कगार बहुत हो गया था लेकिन घर ज्ञान की वजह से दुष्यंत ने को एजुकेशन करा दिया उम्र करार रह जगह सारी साइड आ जाएंगी और दूसरा आदर्श गांव घोषित कराया दीपेंद्र ने कराया अरविंद शर्मा ने कोई खास रुचि नहीं ली उन्होंने मान के मोदी का नाम तो वोट करने के लिए ध्यान नहीं दिया। चलो दीपेंद्र ने अरविंद शर्मा ने तो देख रहा है पाछे कोई दिक्कत नहीं है एक बार आप न्यू बताओ जेजेपी वाला का क्या हाल हो रहा है संभाले को पार्टी का काम कर मारे जिसने काम करने वोट टिकट मिली तो इकड़े चूड़े ने मिलो। अच्छा हमारा आ गांव का साथ गांव का साथ रहे क्यों मोखरा मेरी जान नहीं मोखरा तो आपकी जान है जेजेपी भी आपकी जान होगी बिल्कुल है ना क्योंकि पार्टी का मतलब जेजेपी ने क्या गलती करी तो हमने कई सुन ती भाई साहब न्यू कहे बगा दिया छोटराम किसान कोई नहीं है ना उन्हें अंग्रेजा साथ जुड़ के अपनी मांग मनवाई थी ना तो 15 साल तक झंडा ठाई दे किसी कोई चपड़ा सीना भाई साहब सवाल मेरा अगर आप कह रहे हो कि अंग्रेजों के साथ में मिलकर अपनी मांग मनवाई थी तो बीजेपी के साथ में मिलकर किसानों की कौन सी मांग ऐसी जो जेजेपी पार्टी ने मंगवाई मतलब देखो उनका तो है भी था मामला वो तो थोड़ा उनका वर्क उनका हिस्सा था कौन सा 10 एमएलए थे इतने मतलब 13 महीने किसान का है बॉर्डर पर लट लागे हैं पड़े रहे हैं भूखे प्यासे उस टाइम जेजेपी कहाँ वो मैं बताऊँ आपने मोर हाउस की टाइम दुष्यंत को बना गया कि मुझे कह रहे थे इतने ठाडे हो रहे कांग्रेस खड़े हैं बस के नहीं और मोर हाउस में जो राहुल गांधी का है ना राहुल गांधी ने भी मोदी बनाई रहे मोरा नू दुष्यंत को मोरा बनाएगा बनाया आपका रो पढ़े लिखे हैं समझदार हैं दुष्यंत भी समझदार हैं पढ़े लिखे हैं तो फिर बीजेपी में जाने का मोरा तो खुद बने इसका मतलब मजबूरी थी बाहर के मिले आज इलेक्शन लड़ेंगे कांग्रेस ने मतलब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ला लिया दुष्यंत ने ला लिया अजय सिंह ने ला लिया 3206 बालक लाए थे कौन सी गलती करी थी उन्हें प्रमोशन भी मिल लिया और वो भीतर जबकि 17 लिस्ट कैंसिल हुई राजगते हुई वो बालक बाहर लकड़े उन पर तो कोई केस ना होया नहीं मैं सवाल जो कर रहा हूं जो आज ईद इलेक्शन होंगे दोबारा विधानसभा के उस टाइम पे विधानसभा क्या सोच रहे हैं इलेक्शन लड़ेगी या फिर नो भी कहने लग रहे हैं कि लोकसभा में लड़ाई खत्म हो चुकी है ऐसे बात बैठने वालों की क्या होती है तो मौसम है इस बात पे डरते रहते हैं एक दो दिन पहले हमने सीटा वाले इलेक्शन लड़ेंगे एक दो दिन पहले हमने तो सुना के कि कुछ बयान सुने थे कि पार्टी माने तो 6 महीने लो में हम नहीं उनको शामिल करेंगे गुणा चाहूं जेजेपी किस माने चाहूं
पार्टी ने ऐसा के काम करया है कि लोग उनको दोबारा से भरोसा कर ले। मारे तो सामने काम हुए अज्ञान की वजह से खूब हुए अज्ञान की वजह तो हो गए। मैंने पूरी पार्टी की बात कर रही है, पूरा इशारा दे रहा हूं मैं डिप्टी सीएम का। तो आप इस चीज को मानते हो कि मतलब दुष्यंत चौटाला जी ने जो है जनता के साथ किसानों के साथ में धोखा करया? किसानों के साथ किसानों ने वोट दी और भरोसा कराया और वो जो बीजेपी के पार्टी गोद में जाकर बैठे? किसानों ने वोट एक दुष्यंत को दी, किसानों ने सत्ता दी है वोट। राट तो कई जगह बिट रहा है, आगे बिट रहा है। भाई साहब आप डॉक्टर हो, बता रहे हो किसको वोट दी है? भाई साहब बीजेपी पार्टी को किसानों ने वोट दी है दी भाई, बीजेपी अटवाड़ दुष्यंत बीजेपी से नाराज हो दुष्यंत, फिर बीजेपी की जोड़ी में जा बैठे। ज्यादा नाराजगी है किसान, 13 दिन रहे कती ना बोलिया। ई आखिरी मान घाट आया ना जब नारे पटे ना, 13 दिन जब क्यों ना हटिया भाई किसान। बीजेपी खातर मांगे थे वोट। जेजेपी पार्टी किसकी है? किसकी है? किसकी हम आपसे पूछ रहे हैं। जेजेपी डॉक्टर अजय कुमार अजय सिंह है उसके संस्थापक। उसके संस्थापक वो हैं, मतलब परिवार तो ही नेगा है। परिवार तो ही नेगा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम पे वोट जो किसी सिंगल पर्सन यानी कि आपके गांव के किसी पर्सन के लिए मांगी जा रही है? एक बात बताओ, वो कई भाई ने कहते हैं वोट जो इसके खिलाफ मांगी थी, वोट पार्टी खतर मांगी थी कांग्रेस का पार्टी ना बने थी। सिंपल सा सवाल है मेरा, कांग्रेस का सवाल ये कई भाई का जमुना पार का था, कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगी थी जिस टाइम पे। अगर सरकार वोट देता तो बीजेपी की सरकार अगर फुल बहुमत तक बन जाती तो किसकी सरकार को आंदी? के था फुल बहुमत अगर सरकार बन जाती उस टाइम पर जेजेपी की तो किसकी सरकार को आंदी? जेजेपी की को आंदी चौटाला परिवार की को आंदी, सीधी सी बात है को आंदी ना। बिल्कुल, तो वोट तो खातर मांगी जान लग रही थी। बिल्कुल, तो फिर आप यू क्या कह रहे हो कि दूसरे के लिए थोड़ी हम वोट मांगी जाते अकेले? क्यों भाई साहब? भाई साहब कहते उसके बीजेपी के खिलाफ वोट था और यो भी खूबरू के मर्यादा का पक्ष में वोट था या उनके ना कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे थे अपने पक्ष के, उनका विरोध करके मांगे थे वोट। बीजेपी का विरोध करके वोट मांगे थे। दुष्यंत का जो हक था अगर आप किसी का समर्थन ना देगी अपनी जगह बैठा रहे बीमार तो नहीं हो आप? कमर में दर्द, सॉरी मैंने लग गया थोड़ा देर पहले चर्चा चल रही थी बीजेपी पार्टी आप भी जिंदाबाद है ना। जैसे मैंने सवाल भाषण तो भी करे थे मैंने भाई, देखो एक जगह पे मैंने कांग्रेस पार्टी के भी मिले हैं और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी मिल गए हैं, तो फिर मेरे मोटे मोटे सवाल हैं। पहले तो यूँ बता दो कि दुष्यंत चौटाला जी जो बीजेपी के साथ में मिले हैं, पहले अपना परिचय दे दो आप। मेरा नाम रमेश कुमार। आप भी किसी पद पर हो गए कार्यकर्ता हो? प्रदेश कार्यकारिणी में मेंबर। अच्छा, सोनी साइड आ जाओ भाई, थोड़ा दांव दिखना चाहिए प्रदेश कार्यकारिणी। जैसे मैंने उनसे सवाल करा था, दुष्यंत चौटाला जी ने मतलब कोई जनता के साथ में धोखा करया जो बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हो? ना, जनता के साथ धोखा नहीं करया, बीजेपी के साथ जान में आपने भी देखा होगा सुनिया भी होगा, इतने आदमी खट्टर के दौरे नहीं पहुंचा रहे जितने दुष्यंत के दौरे पहुंचे। सबके काम नहीं हुए, बीजेपी के भी पहुंचे थे, कांग्रेस के भी पहुंचे थे, क्योंकि मारे तो थोड़े सौदा रहा, मतलब हम मेले 10 थे, मैं विधानसभा क्या उनसे वोट मिली कितने आदमी। कितने साल गठबंधन चल रहा? गठबंधन तो यो लगभग 4 साल। इसे कौन सा काम है जिससे जनता खुश हो? जेजेपी पार्टी ने करे देखो मंडिया में दूषित का पीछा तो किसान खत्म हुआ, दूषण की वजह से
700 खरीद हुई है, आप हमारी पार्टी शामिल नहीं है, फेड के आदमी बैठा दिए नायब सिंह जी ने अपने जो विश्वविद्यालय लागे आपको दुर्व्याय पहले आज की खुद सीट दे लिया करते पढ़ने का भी वादा जेजेपी पार्टी ने करा पर मेरे को 6 सौदा 10 था हमारा सौदा की था सौदा है कुछ नहीं था हम तो 10 थे 10 में कौन मानना है हमारा पार्टी का हम 3 नहीं जनता ने हमारा सौदा नहीं माना जनता ने मरते 10 दिए जनता ने तो सौदा मान्या था धोखा दिए हमने क्यों कर गया धोखा हमने 3 करोड़ हम पेंशन तक ले गए इन्हें गलत झगड़े पकड़ गया 3000 तो हम ले गए ऐसा है जी आप कह रहे हो कि 3000 तक तो ले गए जबकि लगातार एक रूल बनता रहा कि आए साल पेंशन बढ़ने लग रही है भाई साहब बढ़ा है ना बढ़ा है भाई कितनी बड़ी है 3100 तो बीजेपी ने कही दिया हम करांगे कितनी बड़ी है चाहे वह 100 बड़ी हो चाहे 200 बड़ी हो देखो 4 साल में तो आने वाले थे 2600 थी मेरे से उस टाइम पे इस टाइम पे सरकार बनी थी है ना 2600 पिछले चुनाव में पिछले चुनाव में 2000 अगर 4 साल में 3000 पेंशन हुई तो क्या पेंशन हुई क्या 900 किसी 4 साल में 1000 रुपए बढ़ाए ना चौधरी देवा ने 100 रुपए करे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने करे 10 साल में 10 साल सरकार रही कितने करे 1000 रुपए कितने 5100 कितने साल में कितने बढ़े 5100 क्या वो हमारी पावर को नहीं दान तो क्या हम सही कर देंगे वो रोड़ा पावर का है हां रोड़ा पावर का है पावर भी नहीं दी फिर भी हम 3000 का ही ले गए तो कैसी सरकार है कैसी पार्टी है रुको हमने 8% ब्लैक बोर्ड आरक्षण दिया 75% हरियाणा वासियों आरक्षण दिया किसका आरक्षण दिया 75% हरियाणा वासियों को कारखाना में एक सवाल और है इसी बात को कही थी दुष्यंत चौटाला जी ने जिस टाइम पे इलेक्शन हुए थे कि अगर मान लो मेरी सरकार बन गई या मैं सरकार में शामिल हो गया ना मेरी सरकार बन गई हरियाणा के अंदर हरियाणा के अंदर फर्स्ट प्रयोजन जो है हरियाणा के वासियों का होगा हरियाणा के युवाओं का होगा 75% हो गया ना विरोधी आदमी छोटा हो यार भाई साहब आपके जो काम में जो फैक्ट्री है उसमें भी दिखा दो सुनो आप दिखा दोगे यो सैनी भाई यो किसी ने करया हां जो किसी ने करया फिर किसने इसको ऊपर जो सटे करवाया हो किसी ने करवाया 75% आरक्षण मिल गया तो हरियाणा में नौकरी ना हरियाणा वासियों ने कराया हुआ बिहार के ज्यादा जिन ने विधानसभा में पास करया विधानसभा में पास करवा गया मेरे 10 होने नहीं पास करवा गया जनता ने सुन ली आपकी बात लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा जमा सही बताइयो जमा दिल तक बिल्कुल राम आप भी किसान हो गए है ना किसानों की तरफ सोच के बताइयो जेजेपी पार्टी ने सही करा था गलत करा था उस टाइम पे बीजेपी में शामिल होगा और कोई सारा बीजेपी में शामिल होगा जेजेपी पार्टी ने सही करा बी धोखा दिया मर नहीं या किसान तो बीजेपी ने दिया बीजेपी ने दिया हाँ। किसानों से पूछ गया था जिस टाइम पे मतलब वोट मांगा उस टाइम पे तो देखो सारे नेता मंत्री आए हैं रैली भी करे हैं जेजेपी पार्टी ने पूछा था किसानों से कोई मीटिंग करी थी कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं या नहीं हो जाऊं देखो अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग बुला कर आज तक कोई पार्टी किसान आदमी में पूछा है आदमी किसान में पूछा है पूछने चाहिए ना किसान तो इन लोगों के साथ भी जुड़ रहे थे किसान तो कांग्रेस के साथ भी जुड़ रहे हैं किसान बीजेपी के साथ भी जुड़ रहे हैं आपके मानो के साथ बीजेपी के साथ की बात बीजेपी किसके साथ जुड़ने जा रही है जेजेपी अगला इलेक्शन लड़ेगी नहीं 10 की 10 पे वही फिर अगर 10 में तो मान लो फिर वही 10 आ गई तो किसके साथ जुड़ेगी 10 आ गई तो ना ना एनडीए का ऐसा क्यों हम एनडीए ने हमारे साथ धोखा करे है बीजेपी के मेरे वर्कर मिल गए थे आप कौन सी पार्टी थे भाई दोनों टोटारा भी एनडीजेपी भी है बीजेपी के पिट्ठू पिट्ठू हैं बड़े साल दे आज तो नहीं अच्छा देवीलाल का टीम भाई पिट्ठू आज दे करे ना देवीलाल मारी अक्कन मारी गांव में थारा गए हूं अर्जुन सिंह दिल सिंह वाला साथ नहीं गया अच्छा वो ज्यादा पार्टी हुआ वो एक काम ही ना करते एक मिनट 19 का लोकसभा चुनाव में सपोर्ट मत वोट करेगा लेकिन अजय के कहीं भी जेजेपी कहनिया है
2019 का चुनाव में वोट के मत लेकर दीपेंद्र की वोट जी लोकसभा में दीपेंद्र की वोट जो एक कारण है अगर जो एसआर में जलसा होया मामला कोई पाछे उसमें जो जो सीधा सवाल आया हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही कि भाई हमने रोहतक की सीट दी थी हमने लड़ंदा बना कर दिया ये बोले उस बात का ऐसा आंदोलन लड़ा कि मामले सीधा सवाल कर दिया कि रोहतक सीट कांग्रेस का जा है मन तो उस दिन सीधा सवाल फिर भी मारा गया लगे कुछ भी हो चाहे की तरह तरला भाषण में खोद मार दी ना 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 देखिए वोट के ना वोट के ना वोट के ना वोट के ताऊ आ जाना हाँ कांग्रेस एक ने भी जतागी दिखा दो अच्छा की पार्टी का है कौन सी पार्टी पहले एक भी नहीं चौटाला वोटर जो वोटर ना गिरे तो एक भी नहीं कांग्रेस और चौटाला दोनों एक केस होता है वोटर इकट्ठे हो गए इकट्ठे हो गए कितने घूम गए कांग्रेस का घूम गए तो सांसद की बार दीपेंद्र को बनाने वाले दीपेंद्र अच्छा भाई साहब किसको बना रहे दीपेंद्र को तो कांग्रेस में लूट रही थी मशीन ले दी है तेरह तेरह दिन दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं यार देखो इस चीज को आप रोजगार काम है धंधा इसको तो मतलब इस चीज से ना जोड़ो यार मंडिया में टंकी उठाओ ये हमारे माँ बाप उठाओ टंकी काम रोजगार करना नौकरी बच्चे कितने भाई को चला बुझो जो ये तरण है जो दिल्ली बैठे उनमें हमारा साथ थकना था जेजेपी के नेता बेसिक सरकार में जे जो आ रहे ये सारे बगैर हम चले गए सुनो नेता के सर अगर हम चले गए कार्यकर्ता थे आप साथ तो खुद किसान थे बात है मैं पदाधिकारी भी था ना पदाधिकारी था ना भाई पार्टी में चला गया अरे भाईचारा था हमारा अरे न हमारा भाईचारा हम किसान आंदोलन में पूरा पूरा साथ दिया भाई हमारे भाई है भाई वोट भी देंगे फिर ये गए हमारे साथ पार्टी पार्टी क्यों है पार्टी मैं पदाधिकारी था ना मैं गया पार्टी का सर पता नहीं चले गया अगर पार्टी का सर पता नहीं था मैं पार्टी ने क्यों नहीं निकाला पदाधिकारी से पहले आप क्या पार्टी का साथ थोड़े जा रहे साथ किसान भी है उड़े किसान किसान दे कोई पार्टी नहीं ये सारे दार उड़ा दे के पीछे ना कांग्रेस भी ना पहले तो किसान नहीं था आप भी किसान है वो नो का पदाधिकारी पदाधिकारी आप हूं मैं किसान अपनी सोच में कैसे सकते आंदोलन की राजनीति को बना राजनीति थी उसमें देखो सांसद तो जिसको ज्यादा जनता चाहो वो बनेगा आप किसको चाहो मैं तो मारन चाहू मारन चाहू हाँ। तो कुणाव है मारन में तो पार्टी किसी को तो देगी किसी को हो सकता है मारन मेरा किसको सांसद दीपेंद्र तो भाई देखो सारे जो है चाहते हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा के और दो दो पार्टियां के वर्कर मिल गए थे आप लोगों ने देखी होंगे पूरी बहस भी हुई है और बातचीत भी चली है कि आप लोगों ने अपने विचार रखने हैं कमेंट के जरिए जेजेपी पार्टी ने जो है उस टाइम पे बीजेपी के साथ में गठबंधन करके सही किया था गलत किया था क्या कुछ उन्हें कहना चाहोगे दुष्यंत चौटाला जी को लेकर सांसद जो है की बार 2024 के लोकसभा में किसको बनाने जा रहे हैं कमेंट करके आपने बताना है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।